आई एम मनीषा सलूजा, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। अभी तक की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत हो गई। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, एंड इट्स अ हम्बल वीडियो फॉर ऑल दोज जिन्होंने पहले मेरी वीडियोस में ये कमेंट किए थे और मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया था कि आपका खुद का तो वज़न कम है नहीं। आज उस क्लैरिफिकेशन के साथ मैं आपसे बात करूँगी कि उस टाइम पे मेरा बेबी 4 मंथ्स का था, मैं कर नहीं सकती थी, एंड आज आफ्टर 6 मंथ्स आई एम हियर इन बिटवीन यू अपने 16 किलो वज़न कम के साथ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें लगता है कि वज़न उठाने से वज़न बढ़ जाता है, कम खाने से वज़न घट जाता है, ज़्यादा खाने से वज़न फिर बढ़ जाता है। तो ये वो बहुत सारे मिथ्स हैं जो एक फिटनेस इंडस्ट्री में, एक हेल्थ इंडस्ट्री में, और जो लोग पतला होने चाहते हैं उनके दिमाग में ये है। क्या ये सब सच है या कुछ सच है या ये सब झूठ है? सो आज मैं एक एक करके उन पॉइंट्स को लूँगी और क्या मैंने 16 किलो वज़न कम करने में मेहनत करी, क्या मैंने खाया, क्या मैंने नहीं खाया, क्या मैंने इग्नोर किया, वो आज हम सारी चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज़, जब भी हम अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं तो पहला वर्ड आता है कि आपका एक रूटीन होना चाहिए। रूटीन किस चीज़ का होना चाहिए? रूटीन होना चाहिए आपकी एक्सरसाइज का, रूटीन होना चाहिए आपके खाने का, रूटीन होना चाहिए आपके सोने का, रूटीन होना चाहिए जो आपकी बॉडी हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करती है उसका। नाउ बैक टू द टॉपिक। फर्स्ट वन इज़ कि एक्सरसाइज कैसे करें कि वेट कम हो। क्या ज़रूरी है एक्सरसाइज करना या बिना एक्सरसाइज के भी वेट कम हो जाएगा? आई वुड से वेट कम हो जाएगा बिना एक्सरसाइज के, पर क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? नो। आपको एक एक्सरसाइज का रूटीन हमेशा रखना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। आई एम इन द जिम बिकॉज आई एम कम्फर्टेबल हेयर। आई वर्क आउट इन रेक्स जिम एंड इट्स बिन मोर देन 12 ईयर्स आई एम कमिंग हेयर ओनली। तो मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत पसंद है बिकॉज बाई प्रोफेशन ऑल्सो आई एम अ नेशनल पावर लिफ्टर, तो आई बिलीव इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वेट से उठाने से जब मुझे प्यार हुआ तो मैं ये गेम में आई, ना कि मैं गेम में आई और मुझे वेट से प्यार हुआ। सो अगर आप फैट लॉस पे हैं तो सबसे पहली चीज़ याद रखें, चाहे आप घर पर करिए, चाहे आउटडोर किसी पार्क में जाकर करिए, पार्क्स में आजकल बहुत सारे जिम इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, वहाँ करिए। बट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डू इंक्लूड अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन योर डेली स्केड्यूल। सॉरी, जो लोग अभी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। करनाल प्लस से ही मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी, दो मैंने बहुत बार करी है, लेकिन जो रिकॉर्डेड है वो करनाल प्लस के साथ है बिकॉज मेरी पोस्टपार्टम करनाल के साथ ही थी। ये देखिए, ये वो पिक्चर है जब मैंने स्टार्ट की थी, एंड पीपल कमेंटेड पहले खुद तो पतली हो जा। आई एम टेकिंग इट एज अ मोटिवेशन एंड टुडे आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू लूजिंग प्योर 16 kg ऑफ फैट। 1 किलो भी मेरा मसल मास नहीं गया। जिनके पास ये फैसिलिटी है इन बॉडी के साथ आपको BMI कराने का, आप चाहते हैं आई कैन शेयर दैट बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन फॉल्स क्लेम्स। 1 किलो भी मेरा मसल मास नहीं हिला, जो बींग अ लेडी मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम है। आई डू नॉट हैव टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन दैट मच कि मेरे मसल बनेंगे, एंड आई लॉस्ट वेट बाय प्रिजर्विंग द मोस्ट असेंशियल पार्ट इन माई बॉडी, मेरे मसल्स। मेरा जो गया वो गया सिर्फ और सिर्फ फैट, एंड दैट टू प्योर 16 kg फैट। आई स्टार्टेड व्हेन माई फैट वॉज 33 kg एंड नाउ इट्स ओनली 15 kg, 5 kg मोर टू गो। उसके साथ आपके साथ हम श्रेडिंग वीडियो डालेंगे। नाउ बात ये हो गया कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करनी है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमें क्या क्या करना है? आपको अपनी बॉडी वेट से ग्रेजुअली वेट उठाना है। आई विल शो यू लाइव एग्जांपल। अभी ये मेरा बॉडी वेट है, राइट? अभी मैं मेरे बॉडी वेट के साथ स्क्वाट कर रही हूँ। दिस इज फ्रॉम माई बॉडी वेट। एंड वेन आई टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपकी स्ट्रेंथ तब बढ़ती है जब आप अपने बॉडी वेट से ज़्यादा का वेट उठाते हो। डजेंट मैटर 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, बट आपको अपनी बॉडी वेट से ज़्यादा उठाना है एंड ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाना है। नाउ देर इज अ इंटरकनेक्शन लूप
कि आप अपनी बॉडी वेट से ज़्यादा तब उठा पाएंगे जब आप सही खाना खाएंगे। अब बात आ गई हमारी कि हम खाने में क्या खाएं। खाने में मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, लिंक्स के साथ बहुत सारी वीडियोस हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या मैंने रोटी छोड़ी? नहीं छोड़ी। क्या मैंने आम खाना छोड़ा जो आम का सीजन आया? नहीं छोड़ा। क्या मैंने पार्टीज पे जाना छोड़ दिया? नो, आई अटेंडेड सो मेनी ऑफ फंक्शंस। बट वहाँ पे आपके खुद का एक लाइफस्टाइल चेंज समझ में आता है, आपके खुद के लाइफस्टाइल का डिफरेंस समझ में आता है। कुछ मैंने आज एक दिन आम खा लिया तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली मेरा वेट बढ़ाने वाला है। बट द पॉइंट इज कि एक आधी बार सब चलेगा, बट हर रोज एक ही चीज नहीं चलेगी। ये एक सिंपल सा फंडा है, याद रखिए। बहुत सारी लेडीज जो मेरे पास कॉल करती हैं कंसल्टेशन के लिए, दे से मैम हम कुछ भी नहीं खाते लेकिन फिर भी हमारा वजन कम ही नहीं हो रहा। वो इसीलिए कम नहीं हो रहा बिकॉज फैट लॉस हैज अ साइंस। फैट लॉस कम खाने से फैट कम नहीं होता है, वो खाना खाना है आपको जो आपकी बॉडी में जाके फैट को कम करने का काम करे, ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ घर पे बैठे हैं, चलो ना वर्कआउट किया ना खाना अच्छा खाया और फिर भी सोच रहे हैं कि हमारा फैट कम हो जाना चाहिए। दिस इज नॉट गोना हैपन। थर्ड चीज़ जो हमारे पास मेन आती है, अब क्या क्या खाया मैंने, ये मेन इम्पॉर्टेंट है जो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। सुबह में आई रिप्लेस इट विद अ हैवी ब्रेकफास्ट। सब जगह सुना होगा कि ब्रेकफास्ट अच्छा खाओ, हैवी खाओ। हैवी में तो चार परांठे भी आते हैं, बट दैट इज़ नॉट हैवी। जब हम हैवी ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो इट हैज़ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हाई अमाउंट ऑफ फैट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये टेक्निकल भाषा भी समझ में नहीं आई, आई मेक इट सिंपल फॉर यू। एक स्मूदी की रेसिपी मैंने शेयर की थी जिसमें हमने ओट्स डाले थे, जिसमें हमने बादाम डाले थे। बादाम इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट्स, बादाम इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके साथ ओट्स डाले हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स का काम करते हैं, एंड उसमें प्रोटीन पाउडर डाला था थोड़ा सा, एप्पल डाला था जो आपके फाइबर का काम करते हैं। सो आपको ये ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं जिससे आपके कार्बोहाइड्रेट्स कम रहे। परांठे खाने हैं तो एक परांठा खाइए, पनीर का ओवरलोडेड परांठा, एंड यू विल बी डन फॉर द ब्रेकफास्ट। लंच की बात करें तो लंच में नॉर्मली वही जो लोग मुझे कहते हैं, मैं भी आपको वही कहूँगी कि रोटी और सब्जी और साथ में सैलेड। इवनिंग में आपका कुछ भी लाइट होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, और कोशिश करिए कि 8 बजे के बाद अगर आपने लेना भी है तो इधर टेक इट इन अ लिक्विड फॉर्म, या फिर आप वो लीजिए जिससे आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं आए। व्हाट डज दैट मीन कि लोड क्या होता है? लोड होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स पचाने के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लोड ले लेता है। तो 8 बजे के बाद अगर आपको खाना है तो कोशिश करिए रोटी ना खाइए, तला हुआ मत खाइए, फास्ट फूड मत खाइए, और खाना है रिप्लेस इट विद दाल का बाउल भी नहीं आई प्रेफर, बिकॉज दाल में सेकेंड क्लास प्रोटीन होता है अगेन, विच इज़ आपको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगी और आपके फैट लॉस की जर्नी में थोड़ी सी रुकावट आएगी। दाल बुरी नहीं बोल रही हूँ मैं, बट क्या वो फैट लॉस के लिए है? नो। देन आता है उसके बाद आपका कि रात को क्या लेके सोना चाहिए। बहुत सारे लोग रात को सोते हुए और सुबह उठते हुए का एक रूटीन बोलते हैं कि सुबह उठ के जीरा पानी पी लिया, सुबह उठ के मेथी दाना पानी पी लिया, रात को सोते हुए ये पानी पी लिया। क्या ये जो पानी पीने होते हैं रात में और सुबह उठते ही, क्या ये आपका एक्चुअली में फैट लॉस में हेल्प करते हैं? साइंस सेज इट डज नॉट हेल्प, बिकॉज ये आपकी बॉडी का वाटर वेट निकाल देता है। आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ये डंबल है, इफ आई कैन लिफ्ट इट अप प्लीज, एयर करिए यहाँ पे। ये डंबल है 50 kg का, इतने छोटे से एरिया में 50 kg है, और हमारे इतने बड़े शरीर में 50 kg होता है। यहाँ डिफरेंस है कि आपका मसल क्या होता है और आपका फैट क्या होता है। दिस थिंग इज अ मसल इन योर बॉडी, बहुत थोड़ा है, और फैट आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। तो जो आपको कम करने की ज़रूरत है
वो फैट है, लेकिन जो हम फैट डाइट्स लेते हैं, जो हम कम खाने वाली लेते हैं, पानी पीने वाली लेते हैं, उससे हमारा ये मसल कम होता है और हमें लगता है कि हमारा वेट कम हो रहा है। अपीयरेंस में इतना फर्क नहीं आता हमें, बिकॉज वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है ना, 50 किलो आप में से बहुत लोगों का होगा, देख रहे होंगे। अपने आप को इस डंबल से कंपेयर करिए, यू स्टैंड नो वेयर, बिकॉज हम लोग यही गलती कर लेते हैं कि मसल मास और फैट लॉस में हम डिफरेंस ही नहीं समझ पा रहे हैं। सो आई होप कि मैंने आपको थोड़े थोड़े हिंट दे दिए होंगे कि आपको कैसे अपनी फैट लॉस जर्नी करनी है, आपको क्या टारगेट करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, एंड क्या आपको अपनी सेहत, अपने फ्यूचर की सेहत को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। एंड वन लास्ट थिंग इज कि या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, डाइट, स्लीप एंड अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। जाते जाते बस एक लास्ट पॉइंट, एक चीज, एक काम करना, YouTube पे कोई किसी भी बीमारी के लिए वीडियो डालकर देखना, आपके पास 36 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये एक रूटीन पूरे दिन में बना लिया एक्सरसाइज का, अच्छे खाने का, सोने का, तो आपको वो 36 के 36 वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो उन लेजी पीपल्स के लिए है जो कुछ नहीं करते, एंड कुछ ना करने वालों के लिए सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। बट जो आप अपना एक लाइफस्टाइल रूटीन बनाएंगे, दैट विल बी अ परमानेंट। आई होप आप में से बहुत लोग समझ पाए होंगे। कोई क्वेरी है कमेंट करिए, आई विल आंसर शॉर्टली। बाय।